से स्वागत है आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल छवि की दुनिया में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। आज है दिन सोमवार और आज है मेरा और होली का उपवास, यानी कि फास्ट है। पूजा पाठ मेरा हो चुका है, मीन्स पूजा पाठ स्नान ध्यान सब हो चुका है, और डस्टिंग फस्टिंग सब हो चुका है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल चुका है, क्योंकि सुबह के मैं 6 बजे जो है मैं जगी हूँ, और सोई कितने बजे हूँ तो रात में 4:30 मैं और बोली सोने गए। कल डिनर, जैसे आप सबको पता है डिनर बहुत लेट हुआ, और उसके बाद राखी जो है वो सेलेक्ट करने बैठे, सब जगह राखी भेजना था तो वो राखी जो है वो सेलेक्ट करके और भेजने के चक्कर में 3:30 हो गए। उसके बाद माँ बेटी हाफ एन आवर चिलैक्स किए, अपना ब्लॉग पुराना लगा करके देखे, टापूरी वगैरह जो गए थे ना उस टाइम का जो है वो ब्लॉग वगैरह देखने लगे, तो 4:30 गए सोने। 6:00 उठना पड़ा क्योंकि गुड्डू को जाना था औरंगाबाद, तो चाय और खारी बिस्किट खा करके गुड्डू चले गए औरंगाबाद। उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की, सब कुछ काम वगैरह ख़त्म की, उसके बाद जो है नहाई, 8:00 नहाने चली गई, नहाई पूजा पाठ खत्म हो गया 9:45 के करीब में हो गया। और अब भी अगर टाइम की बात पूछते हो तो अभी टाइम 8:30 हो रहा है, मुझे लगता है मैं टाइम ध्यान में नहीं है। अभी जा रही हूँ किचन में, मैं और बोल्डी है, सिर्फ खाना कुछ है नहीं, फास्ट है। मैं जा रही हूँ साबुदाने का खीर बनाने के लिए, चलिए किचन में चलते हैं। तो भाई आ गए हैं किचन में, और ये है साबुदाना। इसको जो है वो साबुदाना में बहुत तरह का होता है, एक सबसे मोटा वाला साबुदाना होता है, एक उससे थोड़ा बारीक होता है, और एक एकदम बारीक होता है, एकदम छोटे दाने होते हैं। वो मैं पप्पा के लिए बनाती हूँ, जब पप्पा आते हैं ना तो पप्पा के लिए मैं वही साबुदाना बनाती हूँ, क्योंकि पापा को इजी होता है। तो ये साबुदाना है, इसको मैं धो लेती हूँ, और ये जो है दूध, इसको उबालना है और उसके बाद साबुदाना बनाना है। ये वाली चाकू का रिव्यू की थी आप लोगों के साथ, बहुत 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 अच्छा चाकू था। अम्मा 3 लेके गई अपनी प्यारी दुलारी न्यारी बहू के लिए, 2 और 1 खुद के लिए, तो ये 3। ये चाकू बहुत अच्छा है, कितना भी वॉश करो खराब नहीं होता है, मस्त है मस्त। और चॉपिंग ऑटोमेटिक बारीक होता है, अगर आपसे बारीक नहीं होता है तो ये चाकू से बहुत अच्छा बारीक होता है। तो चलिए काम में लग जाते हैं। अभी 7:30 होने जा रहा है, तो आप तो देख लीजिए 7:25 के करीब में हो रहा है, और 7:25 के करीब में हो रहा है। यहाँ पे इतना कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये सारा जो है आप देख रहे हो ना धुल के रखा हुआ है, और ये बेड पे गोल्डी को 5 दिन से कह रही हूँ कि कपड़ा को जगह पे रखो गोल्डी, जगह पे रखो, लेकिन ये लड़की कपड़ा को जगह पे नहीं रख रही है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए मेरा शाम मैं दिखला चुकी हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है मंदिर, बहुत पसंद आता है मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना धुआं है ना, बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा। कहाँ पे डस्ट है, कहाँ सुना, अच्छा वो कराएंगे ना। ये देखिए मुझे ये बहुत पसंद आता है। आप लोग कितने लोग हैं जो ये इस तरह से सांप के टाइम में धुआं करते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गोल्डी दीदी कहाँ हो, कहाँ हो गोल्डी दीदी,
ये हाथ छुपी हुई है गोल्डी दीदी, ये देखिए सिर्फ आपको बम्पी दिख रहा है, गोल्डी दीदी नहीं दिख रही है। पूरा बालकनी में कपड़ा रखा हुआ है। और अभी चलिए घर के अंदर चलते हैं। सबके घर में इस टाइम में घंटी ही बजता है। इग्नोर इट प्लीज, कृपया, ओके। सम टाइम लेटर, गुड इवनिंग दोस्तों। और ये है मेरी प्यारी दुलारी बेटी रानी। अभी शाम के बज रहे हैं 9:45 हो रहा है। और ना बेटी देखिए क्या किए हैं, हेयर कट करा के आ चुके हैं। ये मेरा अपना डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, मैं तो अपना पूरा कट करा ली हूँ ना। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है पूरा। मम्मा का ज्यादा दिख रहा होगा। मम्मा पूरा लेयर्स दी है, पूरा 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 हेयर कट करा। नहीं कटवाई नहीं, गोल्डी का उतना नहीं दिख रहा। ये देखिए गोल्डी का, बट फिर भी हाँ हल्का तो कट कराई है गोल्डी। मैं सीधा स्ट्रेट कट करवाई हूँ, बट मैं अपना पूरा कट करा ली हूँ क्योंकि मुझे लंबे बाल नहीं चाहिए। मैं बहुत महीनों से टॉलरेट कर रही थी लंबे बाल को। I don't like long hair. मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी उम्र ना 5 साल कम हो जाती है छोटे बालों में। सही पकड़े हैं बात से। मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। ओके तो कहानी यही है। पापा बोले थोड़ा और कटवा लेती तो ज्यादा अच्छा। I'm happy. तो बात ये है कि भाई आज काम कुछ नहीं है, बट आज पता नहीं क्यों थका थका सा लग रहा है, क्योंकि फास्ट है शायद उसके कारण ही यार, पता नहीं क्या रीजन है। मैं मना की थी। हाँ बट ठीक है, जो भी रीजन हो, प्लस क्रिएट के भी टाइम है, 4th का ही डेट था मेरा, बट आया नहीं है अभी, तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा। तो वो भी हो सकता है उसके कारण भी थोड़ा सा होता है मूड स्विंग्स और अजीब से होते रहते हैं थोड़े से, तो वो सब भी रीजन हो रहा है। तो यही कहानी है। और मीशो हॉल वीडियो जो है मुझसे बोल रहा है पिछले 7 दिन से अब करो, बट कर नहीं रही हूँ। बट आज हिम्मत करके सोच रही हूँ कि मीशो हॉल एटलीस्ट कर लूँ। मैं मम्मा आपके साथ शेयर की। हाँ ये मैं पहनी हूँ आज। होली के ऊपर अच्छा लग रहा है पता है क्या। अभी मैं और गोल्डी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जा रहे हैं, जब भी मैं आई गेस मैं देख रही हूँ 20वीं बार, पता नहीं। मैं बोली कोई भी एक कॉमेडी मूवी लगाओ, क्योंकि तो कोई सब सीरियल में नहीं मुझे देखती। विवाह देखना था, बट बाप रे बाप, एक एक वर्ड जो है ना वो एक मुझे बहुत पसंद है विवाह। मैं विवाह को एक इसके चक्कर में ही मैं 3-4 बार देख ली हूँ, बट विवाह एक बार विवाह 20 बार देख चुकी हूँ। मुझे बहुत मुझे नहीं बाबा, 1-2 बार देख ली हो गया। और इसके आज भी सर्दी होती है तो बाप यूं करते हैं। हाँ मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है तो चलिए, कहानी है भाई यही, तो यही आज का दिखाना, यही दिखाना था, सीक्रेट था माँ बेटी का, कि हम लोग सोचे कि चलो आज आपको बता ही दिया जाए। जिस दिन आईब्रो करवाने गए थे ना, उसी दिन जाकर के हेयर कट लेकर के आए थे, और इसी चक्कर में ना 3-3.5 घंटा बैठना पड़ा था। तो कहानी यही है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ ही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हम लोग आज मेहंदी लगाओ, हाँ आज लगाए या फिर कल दिन लगाए, जब भी लगाए। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे हो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, बहुत सारा प्यार। और ये न्यू टॉप है गाइस, रोज रोज यार, ये रोज एक न्यू टॉप लेती है पता है क्या, रोज एक न्यू टॉप रोज। और तो भी कहेगी वार्डरोब बेड के ऊपर इतना कपड़ा रखा हुआ है इस लड़की का, बेड के ऊपर इतना कपड़ा रखा हुआ है इस लड़की का, तो भी कहेगी मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, जेन्युइनली कपड़े नहीं है गाइस। ठीक है तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।